Hello dear kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you some other questions of your chapter 2 Roman numerals. ठीक है, आज हम Roman numerals का जो chapter है हमारा उसके कुछ questions के बारे में पढ़ेंगे. Question number first is how many basic symbols in Roman numeral? Roman numeral के अंदर कितने basic symbols होते हैं? Then answer is 7. कितने symbols होते हैं? 7 symbols. क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिंबल कांट रिपीटेड. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कौन सा सिंबल है वो रिपीट नहीं हो सकता. देन आंसर इज 5. 5 ऐसा सिंबल है जिसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर 39. ठीक है, 39 के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? 39 के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये वाला सिंबल 10, 20, 30 एंड 9. तो 39 हो गया. इन द रोमन न्यूमेरल सिस्टम द सिंबल्स फॉर 0 इज, 0 के लिए कौन सा सिंबल होता है? जब मैंने आपको रोमन न्यूमेरल्स पढ़ाए थे तो उस टाइम बताया था कि 0 के लिए हमारे पास में रोमन न्यूमेरल में कोई भी सिंबल नहीं होता है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, कि 0 के लिए कोई सिंबल होता ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इनमें से ऐसा कौन सा सिंबल है जो करेक्टली मैच है? यहाँ पे हम बात करें 15 की तो 5, 5, 5, और जबकि हमें पता है हम 5 को रिपीट कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. ये हमारा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर सेकंड इज 19, 10, 1, 10. इट मीन्स इसको जब हम राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9. तो 10 + 9 = 19. ये वाला सिंबल जो हमारा करेक्टली मैच है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. 21 + 9. 21 + 9 = कितना हो जाएगा? 30. और 30 के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम? 10, 10, 10. इट मीन्स 30 वाला. XL इट मीन्स 40 - 40. में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारा आंसर हो जाए 29. तो 40 में से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर 29 आने के लिए? 11. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस. यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो मीनिंगलेस है? तो यहाँ पे हम बात करें आईसी, इट मीन्स ये हो गया 99. यहाँ पे 99, ये कोई सिंबल नहीं हुआ, तो ये हमारा सिंबल क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट सिंबल. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 22 इज रिटर्न इन रोमन न्यूमेरल्स एज. रोमन न्यूमेरल के अंदर अगर हम 22 को राइट करना चाहें तो वो कैसे राइट होगा हमारे पास में? 10, 10, 1, 1. इट मीन्स 10, 20, 21, 22. ये वाला सिंबल हमारा करेक्ट सिंबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज 89 इज रिटर्न इन रोमन न्यूमेरल एज. 89 को हम लोग रोमन न्यूमेरल में कैसे राइट करेंगे? देन 50, 60, 70, 80 एंड 9. तो ये क्या हो गया? 89. अगर हम बाकी सिंबल्स को देखें तो हम लोग इस तरीके से राइट डाउन नहीं कर सकते. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.